अभी हम बनाने जा रहे हैं जीरा राइस। मैंने कुकर रख दिया है, कुकर में एक चम्मच ऑयल डाल दिया है। ये सरसों का तेल है, आप कोई भी तेल ले सकते हैं, घी तेल जो भी आप खाते हो। ये हमने इसमें जीरा ऐड कर दिया है, तेज पत्ता, इसमें अभी मैंने एक गिलास पानी ऐड किया है। अगर हम कुकर में बना रहे हैं तो पानी हम थोड़ा कम ही डालेंगे, अगर भगोने में बनाएंगे तो उसमें थोड़ा पानी कुकर से ज़्यादा गिरेगा, पर इतना भी ज़्यादा नहीं गिरेगा कि चावल की खिचड़ी बन जाए। बस इतना बहुत है। इसमें मैंने डेढ़ गिलास पानी डाला है। ये हमारा नींबू रस है, नमक हम स्वाद अनुसार डालेंगे। और इसमें हम एक ही सीटी लगाएंगे, एक सीटी आने पर अपनी गैस बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद जब तक इसकी पूरी भाप अपने आप ना निकल जाए तब तक हम इसका ढक्कन नहीं खोलेंगे। चलिए अब मिलते हैं हम एक सीटी के बाद। देखिए हमारे जीरा राइस अभी मैं आपको प्लेट में करके दिखाती हूँ कैसे खिले खिले हमारे एक एक राइस बना है। हमारा जीरा राइस तैयार है खाने के लिए। कैसा लगा जीरा राइस? आप भी इसी तरह बना सकते हैं।